हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ट्रेनर। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स शो की, और डेली करंट अफेयर्स शो में आज हम देखेंगे 21 फरवरी 2020 के क्वेश्चनों की, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होगा। और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें। और इस करंट अफेयर्स का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ एरिया ट्रस्ट। के पराशरण महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, स्वामी गोविंद देव गिरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महंत नृत्य गोपाल दास को जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महंत नृत्य गोपाल दास। डिटेल्स की बात करें हम, तो महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर न्याय के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि न्यास की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। महंत नृत्य गोपाल दास को न्यास का अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव बनाया गया है। मंदिर निर्माण के बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा होंगे। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के किस चरण को मंजूरी दी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव स्वच्छ भारत मिशन विच फेज ऑफ रूरल, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूसरा चरण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। तो डिटेल्स की बात करें हम, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें खुले में शौच से मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि ग्रामीण भारत को 2 अक्टूबर 2019 को ही खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस चरण का कुल अनुमानित बजट 52,497 करोड़ रुपये का है। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किन्हें नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। हु हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC। TS वसीन को, KV चौधरी को, नृपेंद्र मिश्रा को और संजय कोठारी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल्स की बात करें तो संजय कोठारी को चुना गया नया CVC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संवैधानिक चयन समिति ने राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया करने का निर्णय लिया है। इस समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह तथा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। तो ये इसका डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई अंक आधारित वीजा प्रणाली की घोषणा की है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू पॉइंट्स बेस्ड वीजा सिस्टम। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। देश में नई अंक आधारित वीजा प्रणाली की घोषणा कर दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डिटेल्स की बात करें तो ब्रिटेन की नई अंक आधारित वीजा प्रणाली की घोषणा हुई। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने देश की नई अंक आधारित वीजा प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कि भारत सहित दुनिया भर के होनहार और श्रेष्ठ लोगों को आकर्षित करना है। नई प्रणाली 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और मुद्रा यहाँ का है पाउंड स्टर्लिंग, और एक पाउंड स्टर्लिंग में आपका 90 इंडियन रुपीज़ होता है। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का पांचवा क्वेश्चन है, अशरफ गनी किस देश में दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अशरफ गनी हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड टर्म इन विच कंट्री। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पिछली बार भी थे, अभी भी चुने गए अशरफ गनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
डिटेल्स की बात करें तो अफगानिस्तान में अशरफ गनी दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। अफगानिस्तान में अशरफ गनी दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चुनाव परिणाम मानने से इनकार कर दिया है और खुद को विजयी घोषित किया है। परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी और यहाँ की मुद्रा है अफगानी और एक अफगानी रुपये में जो है आपका एक इंडियन रुपीस भी होता है। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का छठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से विधि आयोग के गठन को केंद्र की मंजूरी दी है? विच लॉ कमिश्नर हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई द यूनियन कैबिनेट? पहला ऑप्शन है 20वें, 21वें, 22वें, 23वें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22वें जो है विधि आयोग के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का 22वां विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। डिटेल्स की बात करें तो 22वें विधि आयोग के गठन को केंद्र की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और आयोग नए कानूनों की जरूरत को उजागर करने के साथ ही पुराने एवं अव्यवहारिक कानूनों को समाप्त करने की सिफारिश करता है। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को शैक्षिक बनाने का निर्णय लिया है? विच स्कीम हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी एजुकेशनल रिसेंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? कुसुम योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है केंद्र सरकार ने शैक्षिक बनाने का निर्णय लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। डिटेल्स की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने तथा देश में 10,000 कृषि उत्पाद संगठन FPO बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने वाले किसानों से बैंक बीमा की राशि में से पहले ऋण की राशि काट लेते थे, लेकिन फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाए जाने से बैंक ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये इसका डिटेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने की घोषणा की गई है? विच स्टेट हैज बीन अनाउंस्ड टू मेक अ भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। डिटेल्स की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व का बनेगा भास्कराचार्य संस्थान। केंद्र सरकार ने गुजरात के भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का दर्जा बढ़ाते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात का राजधानी है गांधीनगर और इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और इसके गवर्नर यानी कि राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और विजय रूपानी गवर्नर यानी कि आपके राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। विश्व की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी भारत। अब इसके रिजल्ट्स की बात करें तो भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर बना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका की थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ साल 2019 में 5वीं सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत जो है 2.94 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2.83 ट्रिलियन डॉलर पर आकर थम गई, जबकि फ्रांस का GDP 2.71 ट्रिलियन डॉलर रहा है। तो ये इसका डिटेल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का 10वां क्वेश्चन है, और विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, विच इज़ द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पहला ऑप्शन है मंदारिन, अंग्रेजी, हिब्रू, हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदी जो भाषा है, बोली जाने वाली हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इसके रिडल्स आंसर की बात करें तो आंसर डी ऑप्शन सही है। रिडल्स की बात करें तो हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और एथनोलॉग ने विश्व की जीवित भाषाओं पर अपने वार्षिक डेटाबेस को प्रकाशित किया है। एथनोलॉग के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और 615 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और 1132 मिलियन लोग अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। मैंड्रिन विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और 1117 मिलियन लोग मैंड्रिन भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में याद रखें, हिंदी तीसरी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी पहली नंबर की है और मैंड्रिन जो है ये दूसरे नंबर की है, हिंदी तीसरे नंबर की है। तो ये इसका डिटेल्स है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, और जो भी आपको सुझाव देना है आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।